ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अब इजरायल जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। वहीं इजरायली सेना IDF के प्रवक्ता डेनियल हैगारी ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर कहा कि हमने ईरान के 99% दो मिसाइलों को रोक दिया। ईरान ने नेगेव डेजर्ट में नेवातीन एयरबेस बेस को टारगेट किया। इस हमले में कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सोचा था कि वो इजरायली बेस को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान फेल हो गया। वहीं व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के बाद से ही ईरान इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा था। दरअसल 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जहेदी और कई अधिकारियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी भी दी थी। Including our shared support for a ceasefire and a hostage deal, and urgent efforts to deal with the humanitarian crisis that exists in Gaza. We also want to address the Iranian threat to launch a significant, or threatening to launch a significant attack on Israel. As I've told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. We say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security. हालांकि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया, जिसके बाद से पूरे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। रक्षा जानकारों की माने तो इजराइल और ईरान के बीच अब सीधे जंग हो सकती है। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि इजराइल और ईरान के बीच कोई युद्ध हो। वहीं भारत भी दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत करने की अपील कर रहा है। हालांकि ये पहली बार है कि ईरान ने अपनी सरजमी से इजराइल पर इस तरह हमला किया है। वहीं भारतीय दूतावास ने भी ईरान के हमले के बाद अपने नागरिकों को सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्षेत्र में हाल की घटनाओं के मद्देनजर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। वह हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है।